तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑफ भाजपा, फिर से स्वागत है। खैर मकदम है एक और बढ़िया सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर। कहाँ से? तो फ्रेंड पिछला ब्लॉग आपने देखा था पश्चिम बंगाल के फरक्का शहर से। तो फ्रेंड ये अभी जो वीडियो होने जा रहा है ना, होटल का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होने जा रहा है, ये भी फरक्का शहर से ही होने जा रहा है। ये सेकेंड वीडियो है, दो ही वीडियो मैं देने वाला हूँ फरक्का से। इसके बाद चलेंगे कोई पश्चिम बंगाल के और नए शहर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने फरक्का शहर का जो वीडियो दिया ना, वो जस्ट हमारे सामने था होटल पैथर्स, साथी होटल था, ठीक है ना, उसका मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था और मैंने बताया था कि वहाँ किस किस प्राइस का है। तो फ्रेंड जस्ट उसी के बगल में ना, होटल बगल में ही ना, हमारा बंगभूमि होटल लॉज है। यहाँ भी आपको रूम मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ का प्राइस क्या है, थोड़ा कम है। पैथर सीधा जो होता है, पैथर साथी जो होटल है हमारा पहला वाला, उससे थोड़ा कम पड़ता है। यहाँ 600 रुपया में आपको सिंगल बेड मिल जाएगा, साथ ही साथ 800 रुपया में डबल बेड मिल जाएगा और एसी की बात करूँ तो 1200 रुपये मिल जाएगा। मैंने अंदर जाकर देखा है, होटल नीट एंड क्लीन है, आप रह सकते हैं, ठीक है। अगर बजट कम है तो आप यहाँ रह सकते हैं, और थोड़ा बजट हाई है, अच्छी क्वालिटी का लेना चाह रहे हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी है, बट आप जो बगल वाला होटल है पैथर शाही, आप साथ ही आप वहाँ भी रुक सकते हैं और कम बजट में यहाँ भी रुक सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। इसका प्राइस थोड़ा कम है पत्थर साथी के मुकाबले, तो जो आपको अच्छा होटल लगे। मैंने दोनों होटल का इन्फॉर्मेशन दिया, दोनों नीट एंड क्लीन होटल है, ठीक है, और जस्ट हाईवे पर ही है और रेलवे स्टेशन के सामने ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो होटल हो गया हमारा, ठीक है, फरक्का रेलवे स्टेशन के सामने से। अब चलेंगे नए शहर में। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं होटल जिस होटल का नंबर ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, आप बात कर सकते हैं, पहले आके अपना बुक भी करवा सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था फरक्का रेलवे स्टेशन से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।